गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की ऑनलाइन स्टडीज? होप सो बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों का सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम है, स्वागत है आप लोगों का। आज मैं रवि जांगड़ और मेरे साथ में ओपी सर, गुरु नीति, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की गुरु नीति हमारी चल रही है, उसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। 33rd नंबर की ये गुरु नीति है, केमिस्ट्री की अपनी गुरु नीति है। कोशिश ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो आप इसके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें। केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी, ये बिल्कुल गलत है। रिडक्शन अकर्स एट एनोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंटेनर लेंगे, एक एनोडिक पार्ट और दूसरा कैथोडिक पार्ट। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। बीच में अपन क्या लगा देंगे? इसके एमिटर, जिससे अपने को करंट का पता लगे। ठीक है, एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और कोई भी सेल हो हमारा, भले ही वो इलेक्ट्रोकेमिकल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक हो, एनोड पे हमेशा क्या होगा सर? ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो बिल्कुल इन ऑप्शंस को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है सर, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी और उसका रिवर्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शंस ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज। एक सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु कहते हैं हम लोग उसको, उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम वो करता है जब हम लोग उसे एक सेल में यूज करते हैं। पहला हमें दे रखा है, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट विद इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर थ्रू एक्सटर्नल वायर एंड ए फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स थ्रू सॉल्ट ब्रिज। कहने का मतलब है कि जब हम लोग एक सॉल्ट ब्रिज को लगाते हैं तो वो एक हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है। बिल्कुल, अभी भी सर ने जो बनाया था एक सेल हमारे लिए बनाया था, तो ये दोनों सेल जो है, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं, और यहां पे हम लोग एक सॉल्ट ब्रिज लेते हैं ताकि जो भी आयंस है इस सॉल्ट ब्रिज में से वो आयंस इन सॉल्यूशन में आ सके और जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखे, सर्किट कंप्लीट करे। तो बिल्कुल पहला वाला सर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है सर, दूसरा वाला ऑप्शन, इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो बच्चों क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, माना कि ये जिंक इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर किसका सोल्यूशन है? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक किसकी फॉर्म में आएगा? Zn प्लस टू की फॉर्म में आएगा। जिंक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, Zn प्लस टू की फॉर्म में आएगा, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ टाइम बाद में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और सेल आपका वर्किंग करना बंद कर देगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl है, KNO3 है, ये सेमी लिक्विड होते हैं। तो यहां से जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो इस इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन यानी कि Cl- आयन क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करता है। और उससे पहले सॉल्ट ब्रिज यूज करने से पहले जनरली क्या होता था, जो हम लोग सेल लेते थे उन्हीं में एक इस तरीके से जंक्शन बनाया जाता था। कोई भी ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो यहाँ पे ये जो आयंस थे इस तरफ मेरे पास पॉजिटिव आयन, जैसे सर ने वहां पे बताया कि पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो जाते हैं और इधर नेगेटिव आयन इकट्ठे हो जाते थे, और एकदम इस जंक्शन पे एक इलेक्ट्रोडिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता था जिसे हम लोग जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का काम ही ये है कि इस जंक्शन पोटेंशियल को
बंद कर देना या खत्म कर देना। तो बिल्कुल हमारे पास में सेकंड ऑप्शन जो है वो भी एकदम करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन बहुत करेक्ट, बिल्कुल हम लोगों ने देखा है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है, तो बिल्कुल थर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा, इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं ऐसा कोई काम हमारा सॉल्ट ब्रिज नहीं करता। जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो आपको दो रिएक्शंस दे रखी हैं और इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है। आपको पता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको आप ऐड नहीं कर सकते, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, और तो आपको इसको सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वी नो दैट डेल्टा जी गिब्स चेंज एनर्जी, गिब्स एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की वह एनर्जी जो यूजफुल वर्क डन में काम में आती है, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एन एफ ई सेल। अब आपने क्या किया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया। सर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मतलब हम लोगों को जो वैल्यू दे रखी है हम लोग हैस लॉ लगा सकते हैं इसमें, हैस लॉ लगा के मैं सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को एफ ई प्लस थ्री दे रखा है और उसको मुझे चेंज करना है एफ ई में। इंटरमीडिएट मैं ये भी कर सकता हूं, मतलब ये प्रोसेस भी काम में ले सकता हूं कि एफ ई प्लस टू बनाओ और उसके बाद में एफ ई बनाओ। और हमारा हैसला जो कहता है वो ये कहता है कि भले ही तुम वर्क जो है या जो भी काम कर रहे हो वो एक ही स्टेप में करो या फिर बहुत सारे स्टेप में करो, ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो हमेशा सेम होगी। तो हम लोग वही जो हैसला लगा देते हैं यहाँ पे, ये इसको मैं डेल्टा जी वन कह देता हूँ। जी सर, ये मेरा डेल्टा जी टू है और ये मेरा डेल्टा जी थ्री है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरा डेल्टा जी वन जो है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा जी टू प्लस डेल्टा जी थ्री। जी सर सही बात है सर। जी सर ओके। अब देखो हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, हमें डेल्टा जी वन के लिए जैसे सर ने अभी अभी बताया माइनस एन एफ ई सेल कहते हैं। जी सर, एन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, तो डेल्टा जी वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट वन इक्वल टू माइनस का नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन थ्री, तो माइनस थ्री एफ, और इनोड सेल आपको दे रखा है माइनस का 0.036 वोल्ट। ठीक है, अब सर ने लिखा डेल्टा जी टू एफ ई प्लस थ्री से एफ ई प्लस प्लस टू, तो डेल्टा जी टू क्या हो जाएगा, माइनस का नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, वन, माइनस का वन एफ, और इसके लिए इनोड सेल आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ऐसे आप डेल्टा जी नोड थ्री निकालोगे तो वो क्या आएगा, माइनस का n, n यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन क्या है 2, तो माइनस का 2f, और इसका एनोड सेल कितना दे रखा है आपको, माइनस 0.440 वोल्ट। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रखते हैं हम लोग इक्वेशन में। जी सर, तो देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, डेल्टा जीवन की वैल्यू हम लोग रखते हैं, डेल्टा जीवन की वैल्यू मुझे दे रखी है माइनस 3 इनटू f एनोड सेल की वैल्यू माइनस 0.036, it is equals to delta G2, delta G2 की वैल्यू सर ने अभी भी बताई हम लोगों को कितनी दे रखी है, माइनस वन एफ, और E नॉट सेल इसका हमें कैलकुलेट करना है। जी सर, और साथ में नेक्स्ट हमें डेल्टा G3 की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है, माइनस टू एफ और माइनस 0.440। जी सर यही दे रखिए। अब मैं f जो है वो तो कैंसिल कर सकता हूँ इधर से और उधर से, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आएगा मेरे पास में प्लस का 0.108 वोल्ट। जी सर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये माइनस e नॉट रह जाएगा, ठीक है, इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास में आ जाएगा ये f तो कैंसिल हो गया 0.880 वोल्ट। जी सर, और अब हम लोग यहां से ये e नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सिंपल है, अब कैलकुलेशन हो जाएगी 0.772 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो होप सो बच्चों फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है हमें, KCl कैन बी यूज्ड इन ए सॉल्ट ब्रिज एज इलेक्ट्रोलाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, कुछ सेल्स दे रखे हैं सर। तो सर बहुत सिंपल सी अगर हम लोग बात करें तो
इसका जो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है उसमें जो भी हम लोग आयंस लेते हैं जनरली वो परसिपिटेट नहीं बनाना चाहिए किसी की, जो भी मेरे पास में ये दे रखे हैं जैसे जिंक है या जिंक प्लस टू बनेगा, पीबी प्लस थ्री है, एफई प्लस टू पीबी है, सीयू है, इनके साथ में वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्शन करेगा तो हम लोग उसे जनरली यूज में नहीं लेते, या अगर वो पीपीटी बना लेता है तो उसे हम लोग जनरली यूज में नहीं लेते। तो इन सब आयंस में अगर मैं देखूं तो सर आई थिंक कि जो एयू है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, बिल्कुल है, और क्लोरीन से भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है जी, बिल्कुल, तो वो उसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा जी, नहीं करेगा। तो इन सबको देखते हुए सर थर्ड को हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं कि थर्ड वाले सेल में जो है हम लोग KCl को यूज कर सकते हैं इन सॉल्ट ब्रिज, बाकी सब में AgCl की पीपीटी बना लेगा, PbCl2 की पीपीटी बना लेगा, फोर्थ वाले में भी PbCl2 की पीपीटी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो कोई पीपीटी नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे आप KCl जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द EMF ऑफ द सेल निकल, निकल प्लस टू 1.0 मोलर, Ag प्लस से Ag बन रहा है, E नॉट दे रखा है, हमें वैल्यूज दे रखी है निकल प्लस टू की और निकल की 0-0.25 वोल्ट, और Ag प्लस Ag की भी वैल्यू दे रखी है 0.80 वोल्ट। अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ EMF कैलकुलेट करना है इसका। तो सर EMF अगर किसी सेल का हमें पूछा हुआ है तो E कैथोड माइनस E एनोड, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो EMF ऑफ सेल हमारे लिए बच्चों क्या हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। मतलब मुझे अब ये देखना होगा कि इस सेल में मेरे पास कैथोड कौन है, एनोड कौन है, बाकी वैल्यूज मुझे दे रखी है। तो सर अगर हम लोग यहाँ पे इस सेल रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन लिखे तो निकल जो है वो Ag प्लस के साथ में रिएक्शन कर रहा है जी सर, तो निकल जो है वो हमारा Ag प्लस के साथ में रिएक्शन करके निकल प्लस टू और Ag सॉलिड ये बना रहा है जी सर। अगर इक्वेशन बैलेंस करें तो ये काम में ले लेंगे। तो अगर यहां पे देखें तो आप मेंसट इक्वेशन जो होती है E सेल इज इक्वल टू E नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं 2 log 10 बेस k इक्विलिब्रियम, और k इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहां पे देखो प्रोडक्ट में क्या है, निकल प्लस 2 है और Ag तो क्या है सॉलिड में है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और रिएक्टेंट साइड क्या है सिर्फ Ag प्लस आयन है वो सिर्फ एक्वस में है, निकल तो क्या है सॉलिड में, और इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इसकी भी 1 एम दे रखी है और इसकी भी क्या दे रखी है 1 एम दे रखी है। तो आप जैसे 1/1 क्या हो जाएगा log 10 बेस 1 और log 10 बेस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपका जो ई सेल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल जी सर, बिल्कुल सर। अब देखो जो ई सेल है वो ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल आप निकाल सकते हो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप डाटा देखें, ये तो आपको किसका दे रखा है निकल प्लस टू का, और निकल प्लस टू यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड या कैथोड, निकल प्लस टू सर एनोड की तरह है यहाँ पे, बिल्कुल हो रहा है, और ये आपका Ag प्लस है वो किसकी तरह है कैथोड की तरह। तो Ag प्लस है की जो सेल पोटेंशियल दे रखा है 0.80 वोल्ट माइनस ऑफ, और एनोड का कितना दे रखा है माइनस का 0.25 वोल्ट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1.05 प्लस 1.05 वोल्ट, बिल्कुल बेटा, और ऐसा ये हमें थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द सेल प्लेटिनम इननेट इलेक्ट्रोड दे रखा है हाइड्रोजन के केस के अंदर, ये सेल जिसका प्रेशर दे रखा 1 atm ऑब्लिक एच प्लस एन की कंसंट्रेशन, पीएच आपसे पूछ रखी है, ये सॉल्ट ब्रिज है आई माइनस एक्वस जिसका एक्टिविटी कांस्टेंट 1 दे रखा है, Ag सॉलिड से Ag एच EMF E298 केल्विन पे 0 वोल्ट दे रखे है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन Ag प्लस इलेक्ट्रॉन से Ag प्लस आयन जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे है माइनस 0.151 वोल्ट, आपको पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी सर, बिल्कुल सर।
तो देखो बच्चों, अगर हम लोग इसको देखें, हमारा जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जो पोर्शन दे रखा है मुझे, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, एनोड हो जाएगा। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड ई नॉट सेल होता है वो कितना होता है सर, 0 वोल्ट होता है। और ये जो पोर्शन है मेरे लिए, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए कैथोड हो जाएगा, कैथोड बन गया। और इसके लिए जो ई नॉट सेल है कैथोड का, वो मुझे दे रखा है यहाँ पे, ये देखो बच्चों कितना दे रखा है, -0.151 वोल्ट दे रखा है। ओवरऑल सेल की वैल्यू मुझे 0 वोल्ट दे रखी है। जी सर। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम लोग इसकी एक सेल इक्वेशन लिखते हैं, और सेल इक्वेशन से हम लोग नर्स्ड इक्वेशन लिख के इसका जो पीएच है वो सॉल्व करते हैं। तो चलो, सेल इक्वेशन एनोड है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एच टू जो होगा वो चेंज होगा मेरे पास एच प्लस में। जी सर। और दूसरी तरफ कैथोड है तो उसका रिडक्शन होना है, रिडक्शन वहां पे किसका होगा, आयोडीन का, एजी का होगा, तो मुझे दे रखा है वहां पे AgI, और AgI चेंज हो जाएगा Ag में प्लस I माइनस में। जी सर। यहां पे इसको 2 लगा देता हूं, ये 2 और ये 2, ताकि ओवरऑल जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो मेरे पास बैलेंस हो जाए। जी सर। अब इसकी नर्स्ड इक्वेशन हम लोग अगर लिखें, तो नर्स्ड इक्वेशन हो जाएगा इसका E सेल, जो कि ऑलरेडी मुझे 0 दे रखा है, इट इज इक्वल्स टू E नॉट सेल -0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे H2 से H प्लस, 2H प्लस बना रहे, तो N की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, log टू द बेस 10। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे, H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। जी सर। बाकी सब तो मुझे एक्टिविटी सबकी 1 दे रखी, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन प्रेशर ऑफ H2 वो भी मुझे 1 atm दे रखा है, तो कोई जरूरत नहीं लिखने की, फिर भी हम लोगों ने लिख लिया। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग पीएच की वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले हमें वैल्यू चाहिए कि ई नॉट सेल की। तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल हमारे पास में होता है कि ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एनोड की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, और कैथोड की वैल्यू हमें दे रखी है -0.151 वोल्ट, तो -0.151 -0, ई सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू मेरे पास में आ गई -0.151 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ई सेल की वैल्यू हमें पहले ही क्वेश्चन में दे रखी है कि ओवरऑल ई सेल जो है वो 0 है, E298 केल्विन 0 हमें दे रखा है। तो इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, ऊपर कैलकुलेशन कर रहा हूं इसकी, तो 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल की वैल्यू -0.151 वोल्ट -0.0591 अपॉन 2। और ये जो लॉग की पावर एच प्लस का पावर 2 है, इसको हम लोग आगे ले लेते हैं, लॉग 10 इज टू द बेस एच प्लस, और प्रेशर ऑफ एच टू मुझे वहां पे 1 atm दे रखा है, तो ऑब्वियसली वो 1 ही हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, और हमारे पास में नेगेटिव लॉग एच प्लस को हम लोग पीएच लिख सकते हैं। पीएच इक्वल टू क्या होगा, माइनस का लॉग 10 बेस एच प्लस एन की कंसंट्रेशन। बिल्कुल। तो इसको आप पीएच लिख सकते हो। तो ये 0.151 वोल्ट इधर लिखा मैंने, और ये ओवरऑल नेगेटिव लॉग एच प्लस, इसको मैंने पीएच लिख दिया। जी सर। और यहां से पीएच की वैल्यू हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, 0.151 डिवाइड बाय 0.0591, जो कि अप्रोक्सली 2.56 के आसपास हमारे पास वैल्यू सॉल्व होके आएगी। जी सर। तो अगर हम लोग देखें ऑप्शंस को, तो बिल्कुल हमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है 2.56। तो चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैसीय इलेक्ट्रोड होता है, उसके केस में हमेशा प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। H2 से pH की बार आपको दे रखी 1, और pH2 से H2, तो इधर क्या होगा ऑक्सीडेशन, और इधर क्या होगा रिडक्शन होगा। तो आप नेट इक्वेशन लिखो, H2 गैस से 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो किसकी रिएक्शन है, एनोड वाली रिएक्शन है, एट एनोड।
एड कैथोड पे क्या ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग, तो ये एनोड की रिएक्शन होगी बिल्कुल सर। और इधर क्या है सोल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड रिडक्शन, तो 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2 गेस। ठीक है, अब आप नेट रिएक्शन लिख लो, नेट रिएक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो H2 गेस प्लस 2H प्लस एक्वस से 2H प्लस एक्वस से H2 गेस। अब देखो इनमें आप कैंसिल आउट मत कर देंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग दे रखी है आपको और उनका प्रेशर आपको सेम दे रखा है। ठीक है, तो आप अब इसकी नेंसेट इक्वेशन आप इसकी लिख सकते हो। जी सर, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेशर हमें 1 एटीएम दे रखा है, यहाँ भी प्रेशर 1 एटीएम दे रखा है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है पीएच यहाँ पे दे रखा है मुझे 1, और 1 अगर पीएच दे रखा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मैं 0.1 लिख सकता हूँ, 0.1 मोलर। और अगर मुझे इस तरफ पीएच की वैल्यू 2 दे रखी है तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिख सकता हूं 0.01। जी सर, और ये जो है यहां से मेरे पास में जो एनोड था उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ तो H2 pH 1 में चेंज हुआ, मतलब ये जो H प्लस कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट की तरफ मेरे पास है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास में 0.1 वोल्ट है, और जो हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ है जिसका कि हमारे पास में क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है कैथोड है वो, उसकी कंसंट्रेशन हमें 0.01 मोलर दे रखी है। अब इसकी नर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखे तो क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेल है तो इसका जो ई सेल होगा, ई नॉट सेल जो होगा वो जीरो होगा। बिल्कुल सर, ई नॉट सेल जीरो होगा, हम लोग ये लिख सकते हैं ई सेल ई नॉट सेल हम लोग वैल्यू जीरो रख देंगे, -0.0591/2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग काम में ले रहे हैं। जी सर, लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन 0.1 m जो कि मुझे दे रखी है 0.1 मोलर का स्क्वायर अपॉन इधर जो मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है H प्लस 0.01 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर को हम लोग आगे ले लें कॉमनली भी लिख सकते हैं हम लोग। जी सर, ये मेरे पास जीरो हो गया, -0.0591/2 कॉमनली इसको लिख दिया हम लोगों ने लॉग 0.1/0.01 का स्क्वायर, 2 को हम लोगों ने आगे लिया तो हम लोग लिख देंगे इसको 0.0591/2 इंटू 2 लॉग ऑफ 0. और ये 0.1/0.01 ये भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। जी सर, बिल्कुल 10 आ गया वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये जो वैल्यू है मेरे पास वो किस में आ रही है नेगेटिव में आ रही है। और अगर ई सेल की वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू ओवरऑल ई सेल की वैल्यू अगर मेरे पास में नेगेटिव आती है तो वो जी जो होगा हमारे पास डेल्टा जी वो कैसा होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है माइनस का एनएफ ई सेल, और ई सेल आपके पास क्या आ गया नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि Hg2+2 दे रखा है, दो इलेक्ट्रॉन से Hg में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी E0 की वैल्यू दे रखी है हमें 0.789, फिर Hg+2 दो इलेक्ट्रॉन E0 की वैल्यू दे रखी है 0.854, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रखी है सर हमें Hg2+2, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसी का रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसके लिए हमें के इक्विलिब्रियम वैल्यू चाहिए, तो के इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों को ई सेल निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और देखो यहां भी मुझे जो है Hg2+2 मुझे क्या क्या दे रखा है Hg2+2 ये चेंज होगा Hg में और चेंज होगा Hg+2 में, ये मुझे दे रखा है, लेकिन जो मुझे वैल्यूज दे रखी है Hg2+2 जो है वो Hg में चेंज हो रहा है बिल्कुल, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, लेकिन मुझे वैल्यू नहीं दे रखी Hg2+2 से Hg+2,
इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम लोगों ने हैस लॉ अप्लाई किया था, वैसी इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि एच जी प्लस टू जो है वो हमारे पास में चेंज हो रहा है एच जी में, और इधर एच जी टू प्लस टू जो है वो एच जी में चेंज हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू है, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन है, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन है। इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा जी वन, इसको मैं कह देता हूँ डेल्टा जी टू, और इसको मैं कह देता हूँ डेल्टा जी थ्री। डेल्टा जी वन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मुझे क्या क्या दे रखा है, माइनस टू इंटू एफ इंटू ई नॉट की वैल्यू रखनी है मुझे यहाँ पे एच जी प्लस टू से एच जी। तो देखो मुझे दे रखी है बिल्कुल एच जी प्लस टू से एच जी की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.854 वैल्यू दे रखी है। ऐसे ही डेल्टा जी टू की वैल्यू देखूं मैं तो डेल्टा जी टू के लिए मेरे पास माइनस वन हो गया इंटू एफ इंटू इसके ई नॉट की वैल्यू। तो एच जी प्लस टू से एच जी प्लस टू, सॉरी एच जी टू प्लस टू है यहाँ पे, एच जी प्लस टू से एच जी टू प्लस टू इसकी वैल्यू मुझे नहीं दे रखी, मुझे कैलकुलेट करनी है। ओके मैं इसे एक्स मान लेता हूँ, और यहाँ पे एच जी टू प्लस टू से एच जी ये दे रखा है मुझे एच जी टू प्लस टू से एच जी बिल्कुल। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस वन इंटू एफ इंटू वैल्यू दे रखी है मुझे 0.789 वोल्ट। अब ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखो बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड देखो कि डेल्टा जीवन जो है मेरे पास, डेल्टा जी वन इज इक्वल्स टू डेल्टा जी टू प्लस डेल्टा जी थ्री। एफ एफ मैं कैंसिल कर देता हूं, यहां पे मेरे पास आ गया माइनस टू इंटू 0.854। डेल्टा जी टू की वैल्यू एफ अगेन कैंसिल कर दिया मैंने, माइनस एक्स, ये एक्स ही निकालना है हमें, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास में माइनस 0.789। यहां से जब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगी 0.919 वोल्ट। तो यहां से अभी एक पार्ट हमने सॉल्व किया है, हमारे पास में ध्यान रखो किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास में वैल्यू आ गई जब हम लोग एच जी प्लस टू को एच जी टू प्लस टू में चेंज कर रहे हैं। अब मैं इस सेल का ई नॉट सेल कैलकुलेट करूंगा, क्या करना है मुझे ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। तो देखो ये मेरी रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए अगर मैं ई नॉट की वैल्यू देखूं ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल क्या होता है बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और यहाँ पे कौन सा क्या कैथोड है क्या एनोड है, कैथोड मतलब हमारे पास में क्या होता है सर, रिडक्शन होगा। और यहाँ पे रिडक्शन की वैल्यू हम लोग देखे तो एच जी टू प्लस टू एच जी में चेंज हो रहा है, एच जी टू प्लस टू एच जी में चेंज हो रहा है, वो मेरा कैथोड हो गया, रिडक्शन हो रहा है, उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी एच जी टू प्लस टू से एच जी, वैल्यू मुझे 0.789 वोल्ट दे रखी है माइनस एनोड के लिए। तो एनोड के लिए मतलब एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है एच जी टू प्लस टू से एच जी प्लस टू में, इसकी वैल्यू अभी भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी कितनी 0.919, तो माइनस 0.919 इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास में ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई माइनस 0.13 वोल्ट। जी सर, तो सर इतना पार्ट हम लोगों ने किया, 0.13 वोल्ट आ चुकी है। माना कि जो फाइनल रिएक्शन है उसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, अपने को के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है, तो के इक्विलिब्रियम और ई नॉट सेल में रिलेशन होता है डेल्टा ई नोड सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0591। इक्विलिब्रियम पे हमेशा ई सेल की वैल्यू जीरो होती है, तो बिल्कुल वही सर कर रहे हैं लॉग 10 बेस के इक्विलिब्रियम, ठीक है। और वी वैल्यू आपके पास कितनी आई माइनस का 0.13 वोल्ट इक्वल टू 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ ट्रांस इलेक्ट्रॉन क्या है फाइनल रिएक्शन में 1 है सर, लॉग 10 बेस के इक्विलिब्रियम। अब आप log 10 base के equilibrium की value calculate कर लोगे तो log 10 base के equilibrium is equal to क्या हो जाएगा minus 0.13 volt is equal upon 0.0591, तो इसकी value आएगी minus का 2.19 के around।
अब आप इसका के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो, तो के इक्विलिब्रियम आपको निकालना आता है, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 6.33 इनटू 10 की पावर माइनस के 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है वो 6.26 इनटू 10 की पावर माइनस से, बिल्कुल सर ये थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखी है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, The efficiency of an hypothetical cell is about 84%. Efficiency जो cell की है वो मुझे 84% दे रखी है, which involve the following reaction. ये reaction हमें दे रखी है कि A B plus 2 में है, वो change हो रहा है A plus 2 और B में, और delta X की value मुझे 285 kilojoule दे रखी है। जी सर। और साथ में मुझे कुछ और भी दे रखा है, then the standard electrode potential of the cell will be assumed that delta S is equals to 0. हमसे स्टैंडर्ड ई नॉट सेल जो है वो पूछा है और डेल्टा एस की वैल्यू जीरो दे रखी है। तो सर अगर हम लोग हमारा जो गिब्स की इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो जब डेल्टा एस जीरो दे रखा है मुझे तो ऑब्वियसली क्या मैं ये यूज कर सकता हूं? जी सर, क्योंकि टी डेल्टा एस जीरो दे रखा है, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई, तो डेल्टा जी ही डेल्टा एच के इक्वल है। और हमें पता है कि डेल्टा जी जो होता है या डेल्टा एच जो होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस एन एफ ई सर। और इसको नॉट मान ले हम लोग तो माइनस एन एफ ई नॉट हो जाएगा। और अब हम लोग वैल्यूज रखते हैं, तो एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, ए से ए प्लस टू, बी प्लस टू से बी, तो एन की वैल्यू हमारे पास में 2 है, एफ की वैल्यू है हमारे पास ई नॉट सर हमसे पूछा गया है, तो हम लोग इक्वेशन में रखते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस 285 किलो जूल दे रखी है। तो रखते हैं हम लोग यहाँ पे कि डेल्टा एच माइनस 285 किलो जूल दे रखा है, तो 10 की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखा था 2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल, जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो यहां से जब हम लोग ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 285 इंटू 1000 10 की पावर 3 अपॉन माइनस 2 इंटू 96500। और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे जी सर, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा लगभग 1.47 वोल्ट। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है कि उस सेल की जो एफिशिएंसी है वो 84% दे रखी है, 84%। तो अब ये जो इनोड सेल है इसका हम लोग सिंपल सा 84% कैलकुलेट कर लेंगे, तो ओवरऑल जो मेरे पास फाइनल इनोड सेल की वैल्यू आएगी वो 1.47 इंटू 84% उसका हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 1.24 वोल्ट, जो कि मुझे दे भी रखा है फोर्थ ऑप्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कोई रिएक्शन दे रही है आपको जिसका एनोड सेल दे रखा है 2.8 वोल्ट, ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या किया है 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसका आपको एनोड सेल पूछा है। तो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, फिक्स ही रहता है, फिक्स ही रहता है, उसको किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो इनोड सेल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको आप अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इनोड सेल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इस रिएक्शन का इनोड सेल कितना आ जाएगा 2.8 वोल्ट आ जाएगा, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेम ही रहेगा। जी सर, द पोजिशन ऑफ सम मेटल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इज गिवन एज, ये जो मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे रखा है, यानी इट मींस मैग्नीशियम सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स है, एल्युमिनियम उसके बाद, फिर जिंक, फिर कॉपर और सिल्वर है वो सबसे कम रिएक्टिव है। व्हाट विल हैपन इफ ए कॉपर स्पून इज यूज्ड टू स्टीर ए सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट, यानी एल्युमिनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और उसके अंदर क्या डाल रखा है, कॉपर की स्पून डालते हैं, तो देखो क्या होगा, अब देखो इसके अंदर एल्युमिनियम क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स है और कॉपर क्या है, लो रिएक्टिव मेटल्स है, तो जो लो रिएक्टिव मेटल्स है वो हाई रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, तो देयर इज नो रिएक्शंस, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ए रेड हॉट कार्बन विल रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्साइड AO एंड BO बट नॉट फ्रॉम MO, तो जैसे अभी
जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन सर ने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की ओर आते हैं वो ऊपर वालों को उनके सॉल्ट से, उनके ऑक्साइड क्लोराइड जो भी है उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो देखो उसी का रिवर्ट फॉर्म हमें इस इक्वेशन में, पूछा है कि रेड हॉट कार्बन विल रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्साइड AO एंड BO बट नॉट फ्रॉम MO, MO से नहीं हटा सकता। इसका मतलब MO जो हो गया मेरे पास वो ज्यादा रिएक्टिव हो गया जी सर, या मेटल M जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हो गया। मैं सिंपल सा ये भी लिख सकता हूँ कि M जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, A से एंड B से। इतना मुझे फर्स्ट जो लाइन है उससे पता चल गया। नेक्स्ट कह रहा है व्हाइल B विल रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम AO, B AO को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर रहा है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, B ज्यादा रिएक्टिव हो गया। दूसरी इक्वेशन से हमें ये पता चला कि B इज मोर रिएक्टिव देन A क्योंकि वो AO को डिस्प्लेस कर रहा है। तो अब अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो हमारे पास में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ गया, M मोर रिएक्टिव देन B, मोर रिएक्टिव देन A, और ये ऑप्शन हम लोग देखें तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट जी सर। The standard reduction potential E naught of the following system are, निम्न निकायों के मानक अपचयन विभव E naught हमें दे रखे हैं, ये चार कुछ हमें दे रखे हैं। E naught reduction potential दे रखा है हमें, ये reduction potentials की value है, plus 7 से plus 2 पे जा रहा है, lower oxidation state पे जा रहा है, तो obviously reduction potential की value दे रखी है। Oxidizing power of the various species decreases in the order, बहुत बहुत simple question है बेटा। क्या होता है यहाँ पे, हमें सिंपल सा पता है कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मेटल की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वही वैल्यू हमें दे रखी है। तो सबसे ज्यादा किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, सीरियम प्लस 4 का, इट मींस उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा तो किसकी होगी, सीरियम प्लस 4, उसके बाद में देखो आप 1.5 1 वोल्ट किसका है, MnO4, उसके बाद में किसका है 1.33 Cr2O7, तो ये हो जाएगा Cr2O7 -2, और सबसे कम किसका है, सबसे कम सर Sn का दे रखा है, Sn प्लस 4। तो देखो कौन सा ऑप्शन हम लोग देखें तो सेकंड ऑप्शन ही हमें दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The oxidation potential of zinc, copper, Ag, H2, H2 and nickel are, ये कुछ values दे रखी है। Respectively, which of the following reaction will provide maximum voltage? बहुत ही common sense का question है। Maximum voltage मतलब हम ऐसे cell लेंगे जिनके electrode EMF का जो difference है वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो देखो values को देखते ही हम लोग revert कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे कम value किसकी है, 0.80, और जो कि कौन सा है मेरे पास में, कॉपर का, और जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो मेरे पास में दे रखी है, अच्छा एजी का है, सॉरी एजी का है सबसे कम वैल्यू, और जो सबसे ज्यादा वैल्यू दे रखी है 0.76 वो किसकी दे रखी है, जिंक की। तो मैं ऐसा सेल लूंगा जिसमें जिंक और एजी काम में आ रहे हो, और ऐसा ऑप्शन हम लोग देखे तो सर केवल सेकेंड ऑप्शन है, ईएमएफ सबसे ज्यादा आ जाएगा, और कैलकुलेट भी कर सकते हो, वही E cell is equals to E naught cathode minus E naught anode से वैल्यूज रखोगे, कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस दे रखा है, कॉपर सॉलिड है, जिंक प्लस 2 है, रिएक्शन कोएफिशिएंट हमें दे रखा है, E naught cell की वैल्यू दे रखी है हमें 1.10 वोल्ट, E cell की वैल्यू भी दे रखी है। अच्छा ये पूछा है कि E cell की वैल्यू दे रखी है when, और कुछ कंसंट्रेशंस हमें दे रखी है, तो सर ये तो डायरेक्ट हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लगा दें उससे सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, तो नर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास में ई सेल जो है वो किसके इक्वल होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, क्योंकि कॉपर और जिंक की रिएक्शन दे रखी है, तो हमारे पास में जिंक जिंक प्लस 2 में, कॉपर प्लस 2 कॉपर में, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इंटू लॉग ऑफ सर एक मिनट, जो हमें जिंक है वो जिंक प्लस 2 में चेंज हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट क्या है अपने पास, जो सॉलिड है उनकी एक्टिविटी तो 1 होती है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जिंक प्लस 2 अपॉन रिएक्टेंट कॉपर प्लस 2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉग जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन, और उन्हीं का ही रेशियो मुझसे पूछा गया है। तो अब वैल्यूज रखते हैं हम लोग, ई सेल की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.1591, इसकी जगह 1.1591,
इट इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू मुझे 1.10 वोल्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591/2 log 10 base 10 इधर दे रखा है जिंक +2/copper +2 ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1.10 इसमें से माइनस होगा तो ये रह गया 0.0591/-0.0591 log 10 की वैल्यू हो गई जिंक +2 copper +2 ये मेरे पास -2 आ गया और -2 इसका एंटी लॉग लेंगे हम लोग -2 का एंटी लॉग अगर हम लोगों ने लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 इट इज इक्वल टू जिंक +2/copper +2 की कंसंट्रेशन जिंक +2/copper+2 की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है 0.01 वोल्ट ये ऑप्शंस में हम लोग देखें तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन आ जाएगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ सेल सेल का वोल्टेज आप कैसे कैलकुलेट मतलब इंक्रीज कर सकते हो किस पे इंक्रीज होगा तो ये रिएक्शंस दे रखी है इसके लिए आप नेंसर इक्वेशन लिखें ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591/(n)log 10 base प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या है सिल्वर तो क्या सॉलिड में इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1 और टिन है वो किस में है एक्वस में तो Sn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन नीचे Ag+n की कंसंट्रेशन का स्क्वायर तो देखो आपका जो ई सेल है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा बाकी किसी पे साइज वाइज पे कोई डिपेंड नहीं करेगा अब देखो Sn+2 की Sn+2 की अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो देखो इसकी कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो इसको आप कांस्टेंट रखते हो तो ई सेल क्या होगा ई सेल क्या होगा डिक्रीज होगा क्योंकि सर आई थिंक ये वाला जो पोर्शन होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बिल्कुल 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 और अगर आप Ag+ की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो तो ई सेल आपका क्या हो गया इंक्रीज हो जाएगा तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है वोल्टेज इंक्रीज कब होगा हो रहा है तो साइज का कोई रिलेशन ही नहीं है तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ सिल्वर ओडी बिल्कुल गलत है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Sn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ई सेल क्या होगा डिक्रीज होगा और आप Ag+n की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ई सेल क्या होगा इंक्रीज होगा थर्ड ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जी सर कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ये एक इक्वेशन दे रखी है मुझे कुछ वैल्यूज भी दे रखी है अच्छा जो इक्वेशन मुझे दे रखी है उसमें Fe+2 से Fe+3 में चेंज हो रहा है जी सर Fe+2 से Fe+3 में चेंज हो रहा है लेकिन लेकिन मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है +2 से Fe दे रखा है +3 से Fe दे रखा है बट जो रिक्वायर्ड है वो नहीं दे रखी कोई बात नहीं हम लोग वही एक जो ऐसे हैस लॉ लगाया था उससे जल्दी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन Fe+3 से मुझे Fe पे जाना है इससे स्टेप वाइज अगर मैं जाऊं तो स्टेप वाइज जाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि Fe+2 और ये Fe इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे मेरे पास तो जो डेल्टा जी है वो F नहीं लिख रहा मैं या चलो लिख लेते हैं हम लोग तो 3 इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे हैं तो -3F और इसकी वैल्यू Fe+3 से Fe जेड मुझे दे रखी है -3FZ हो गया Fe+3 से Fe+2 ये वैल्यू मुझे नहीं दे रखी लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास यहाँ पे -1F सेल और ई सेल जो भी होगा Fe+2 से Fe Fe+2 से Fe कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो -2 × F इंटू इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी वाई दे रखी है तो यहाँ पे इन सबको अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ कैसे रखूंगा मैं वैल्यू रखूंगा कि मेरा -3F अब मैं कैंसिल कर देता हूँ -3Z जो है इट इज इक्वल्स टू -E0 सेल और साथ में प्लस करेंगे लेकिन क्योंकि माइनस में वैल्यू तो मैं ये -2Y लिख देता हूं तो ये जो वैल्यू आई मेरे पास में -E0 सेल या E0 सेल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास में -3Z -2Y
3z माइनस 2y, और अब हम उसको इस वैल्यू को काम में लेकर इस सेल के लिए इक्वेशन लगा देते हैं, और सेल के लिए इक्वेशन क्या होगी कि वही e सेल या e नॉट सेल इज इक्वल्स टू e नॉट कैथोड माइनस e नॉट एनोड। और कैथोड कौन है यहाँ पे, कैथोड वो जिसका कि रिडक्शन हो रहा हो, और रिडक्शन हो रहा है मेरे पास Ag प्लस से Ag का, और उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है x, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ x। दूसरा e नॉट सेल हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया है माइनस 3z माइनस 2y, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस का 3z प्लस का 2y, और ये ऑप्शन हम लोग देखें तो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ए क्लीन स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फेट में रखा है, ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। और भैया अब जो क्वेश्चंस है बेटा वो मोर देन वन क्वेश्चंस वाले करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो सारे स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। द मास ऑफ जिंक मेटल डिक्रीजेस ग्रेजुअली, बिल्कुल अगर हम लोग सर इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहें कि जिंक मेटल कॉपर सल्फेट के साथ में, तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगी और हमें दे भी रखा है, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस टू लिख दूं सर? जी सर। और इसमें जो चेंजेस होंगे वो जिंक प्लस टू प्लस कॉपर, तो ये जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है मेरा वहां पे एनोड की तरह होगा, तो ये जो जिंक होगा वो धीरे धीरे क्या होगा डिग्रेड होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, जिंक से जिंक प्लस टू सॉल्यूशन में मिलता जाएगा, और कॉपर प्लस टू क्या होता जाएगा डिपॉजिट होता जाएगा सर। तो ऑप्शंस को देखते हैं, द मास ऑफ जिंक मेटल डिक्रीजेस ग्रेजुअली, तो आई थिंक सर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द कॉपर मेटल स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन आइदर जिंक प्लेट और सेटल डाउन टू द वेसल, बिल्कुल डिपॉजिट होगा वो इलेक्ट्रोड पे या फिर वेसल में नीचे डिपॉजिट होता जाएगा, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। द सॉल्यूशन रिमेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑब्वियसली ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा, कोई ऐसा चार्ज वार्ज नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो बेटा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग इसका E नॉट सेल देखते हैं तो ये डैनियल सेल है, और इसका E नॉट सेल क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा जी वैसे भी हमें दे रखा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव, और एंट्रोपी में इतना कोई खास चेंजेस हो नहीं रहा, डेल्टा एस अप्रोक्सली नेग्लिजिबल मान सकता हूं मैं, तो जो डेल्टा जी नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर 1, 2, 3 हो जाएंगे, बिल्कुल सर। विच आर ट्रू फॉर ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जी सर एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, तो हमारे पास द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1 मोल, बिल्कुल स्टैंडर्ड जब हम लोग बोल रहे हैं तो कंसंट्रेशन 1 मोलर ही लेके चलते हैं। जी सर। टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, क्योंकि स्टैंडर्ड जब बोल रहा है तो स्टैंडर्ड पे हम लोग टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड यही लेकर चलते हैं जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है रूम टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 atm, बिल्कुल 1 atm प्रेशर ही स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं। इट कंटेन्स ए मेटलिक कंडक्टर विच डज नॉट एब्सॉर्ब हाइड्रोजन, ये गलत बात है, जो भी हमारे पास H2 गैस होती है गैसियस फॉर्म में है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर एब्सॉर्ब हो जाती है या एब्सॉर्ब हो जाती है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ओनली 1, 2, 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज करेक्ट फॉर EMF ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, कुछ वैल्यूज हमें दे रखी है जो हम लोग अभी तक यूज में लेकर लेके आ रहे हैं, जो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्या है रिडक्शन पोटेंशियल का है, क्या लिखते हैं हम लोग उसके लिए कि E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, लेकिन ये वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल में होती है, और साथ में हमेशा जो बड़ा वाला सा रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसे हम लोग कैथोड लेते हैं सर, E कैथोड हमेशा बड़ा होगा हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, E एनोड हमारे पास में क्या होगा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, एनोड वाला लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। हाँ इसी को ही अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहूं या इसको तो मैं लिख लेता हूं रिडक्शन पोटेंशियल में ही, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, तो इसी को ही क्या लिख सकता हूं मैं ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकता हूं, और अगर मैं दोनों को ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखूं तो अब रिवर्स हो जाएगा कि जो हायर माइनस लोअर कर रहे थे वो अब लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा,
तो सर ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। पहला हमें क्या दे रखा है कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। बिल्कुल सर, अभी अभी हम लोगों ने देखा है, सही है। हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल ये भी सही है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लोअर पहले आता है, लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये हमारे लिए गलत होगा। अगला, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस हायर, नहीं, ये तो हम लोग अभी भी देख ही चुके हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में 1 and 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसंट्रेशन सेल्स। जी सर, तो हम लोग देखें कंसंट्रेशन सेल में सर जो भी आयंस वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह होती है, वो सेम ही होती है हमारे पास में। तो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वन में सब कुछ सेम ही है, एनोड ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और कैथोड ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो कंसंट्रेशन सेल होगा, तो बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट है सर। सेकंड को, सेकंड में एनोड ही आपका क्या है, क्लोरीन है, और कैथोड भी क्या है, क्लोरीन है। बिल्कुल सर, ये भी करेक्ट है हमारे लिए, कंसंट्रेशन सेल होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है, जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड है, तो ये कंसंट्रेशन सेल नहीं हो सकता। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और जो ब्रोमीन है वो क्या है, कैथोड। एक क्लोराइड आयन दे रखा है हमें, एक ब्रोमाइड आयन दे रखा है, तो अब यहाँ पे डिफरेंट है जो लिया है हमने, सेम नहीं लिया है। कंसंट्रेशन जो है वो जो अलग है ही, साथ में जो आयंस है, जो इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं हम लोग, वो भी डिफरेंट ले लिया, तो ये भी कंसंट्रेशन सेल नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर्स 1 and 2 हो जाएंगे। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ई रिडक्शन ऑफ क्यून हाइड्रोजन हाफ सेल एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। इंटरसेप्ट आपको दे रखा है एट व्हाट पीएच ई रिडक्शन विल बिकम्स 0.4626 वोल्ट। यानी आपको ई दे रखा है, ई सेल आपको दे रखा है 0.4626 वोल्ट, और इंटरसेप्ट दे रखा है इसका, ये आपको इनोड सेल दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है 0.699 वोल्ट। ठीक है, तो क्यों नाइट्रोजन इलेक्ट्रोड आपने पढ़ा होगा, इस इक्वेशन क्या होगी, नेंसेट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू इनोड सेल माइनस 0.0591 इनटू पीएच। वैल्यू पुट कर दो आप, ई सेल की वैल्यू क्या होगी 0.4626 वोल्ट, इनोड सेल क्या है 0.699 वोल्ट माइनस 0.0591 इनटू पीएच। जब बच्चों इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी पीएच की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 है, 4 है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमें क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखना बच्चों, हमें दे रखा है कि फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 298 केल्विन, ये एक इक्वेशन हमें दे रखी है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है M+4 से M+2 दूसरी तरफ है, मतलब ये मेरे पास में एनोड हो गया, ये मेरे पास में कैथोड हो गया सर। ई सेल की वैल्यू मुझे ओवरऑल दे रखी है, मुझे ये 10 की पावर x में वैल्यू पूछी है, एक मुझे ई प्लस M+4+2 रिडक्शन पोटेंशियल ये भी दे रखा है 0.151 वोल्ट, इसकी वैल्यू 0.59 वोल्ट लेनी है, ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी इक्वेशन लिखते हैं, सेल इक्वेशन और फिर नर्स्ट इक्वेशन लगाकर इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे एनोड है, एनोड है तो इधर क्या होगा हमारे पास में, इसका ऑक्सीडेशन होगा, H2 जो होगा वो चेंज होगा मेरे पास में ट्वाइस एच प्लस में, और दूसरी तरफ मेरे पास में M+2 और M+4 है, तो उनका क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ M+4 जो कि चेंज हो रहा है M+2 में, H2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, M+4 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। इसका E नॉट सेल अगर हम लोग निकाले तो हाइड्रोजन, सबसे पहले E नॉट सेल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो E नॉट सेल जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए वैल्यू 0 होती है मेरे पास, तो ये हो गया मेरे पास E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड कौन सा है यहाँ पे मेरे पास, अभी भी आप लोगों को बताया था कि ये वाला मेरे पास कैथोड है, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 0.151, कितनी दे रखी है 0.151, माइनस एनोड हाइड्रोजन है, ये ई नॉट है और हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती, तो ई नॉट सेल आ गया मेरे पास 0.151 वोल्ट। अब मैं इसको नर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं, तो नर्स्ट इक्वेशन अगर मैं करूं जी सर, तो मेरे पास में हो जाएगा कि ई सेल जो होगा वो होगा ई नॉट सेल माइनस यहां पे हो जाएगा मेरे पास
0.059 upon n की वैल्यू कितनी यहाँ पे टू, दो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यूज में ले रहे हैं तो टू हो जाएगा log, प्रोडक्ट क्या है मेरे पास यहाँ पे m प्लस टू इंटू एच प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय m प्लस फोर प्लस फोर। लेकिन बच्चों देखो H प्लस की कंसंट्रेशन अगर हम लोग फ्यूजन में देखें तो हमें जो वैल्यू है H प्लस की कंसंट्रेशन वन मोलर दे रखी है, वन मोलर है तो वहां पे वन रखेंगे तो उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो E सेल की वैल्यू, E सेल की वैल्यू सर हमें दे रखी है 0.092 वोल्ट, 0.092 वोल्ट। E नॉट सेल हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 0.151 - 0.059/2 log टू द पावर बेस 10 रखते हुए m प्लस 2 अपॉन m प्लस 4। जी सर ये वैल्यूज हमें देखनी है। H प्लस ऑलरेडी मेरे पास में 1 हो गया, इसको मैं सॉल्व करूं ओवरऑल अगर इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास में log टू द पावर 10 बेस m प्लस 2 अपॉन m प्लस 4, इसकी वैल्यू मेरे पास में कैलकुलेट करने पे हमारे पास में 2 आ जाएगी। लेकिन मुझसे तो ये 10 की पावर में पूछा तो इसे ही हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि m प्लस 2 अपॉन m प्लस 4 जो है वो क्या लिख सकता हूं मैं, एंटी लॉग लूंगा 2 का तो 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। तो ये जो x की वैल्यू है 10 की पावर x वो हमसे पूछा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो बेटा ये हमारा पेपर जो गुरु नीति है वो सॉल्व किया हम लोगों ने, काफी सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो है नर्स्ट इक्वेशन और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कंसेप्ट वो हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। मोस्टली जेई के अंदर नेनसेट इक्वेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, नेनसेट इक्वेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो उस पर आप, हमने भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन लिया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। बिल्कुल फिर मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच। जय सी एल सी। जय सी एल सी।